देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर बरेली से है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता महासभा द्वारा तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को किया गया सम्मानित। आपको बताते चलें, फरीदपुर तहसील में आज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता महासभा फरीदपुर के पदाधिकारियों द्वारा तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं कोरोना वायरस के दौरान 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले अधिकारियों को पुष्प बुके एवं गमछा डालकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता महासभा फरीदपुर के पदाधिकारियों ने आज उप जिलाधिकारी विशु राजा, तहसीलदार आनंद तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार अग्रहरी, कोतवाली प्रभारी धनंजय सिंह, स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर बासित अली के कुशल नेतृत्व में कोरोना महामारी के दौरान क्षेत्र में 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाकर जिस प्रकार जनता की सेवा की है उससे अभिभूत होकर राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता महासभा के पदाधिकारियों ने तहसील प्रशासन के इन अधिकारियों को पुष्प बुके व गमछा उड़ाकर सम्मानित किया। सम्मानित करने वालों में राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता महासभा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी, मंडल प्रभारी विनोद शर्मा जी, जिला अध्यक्ष रवि पाठक जी, मीडिया प्रभारी एवं कोषाध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी सुबोध शर्मा जी, मंडल महामंत्री गौरव पांडे जी, तहसील अध्यक्ष सचिन पांडे जी, उत्तर प्रदेश ब्राह्मण एकता महासभा के महामंत्री नितिन पाठक एडवोकेट जी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं बरेली से साहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वो दोबारा है, अपनी बातों को कहने में, चीजों को एक्सप्रेस करने में तार्किक ढंग से बातें रखी जाती हैं, तो ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। मैं खुद उसको एक मतलब बहुत ही एक मतलब अच्छे से पसंद करता हूँ। और क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ मेरे मतलब कि मैं अपने परिवार की बात बताऊँ तो मेरे बाबा बाबा थे सब।